लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद हो रहे विधायी कामकाज पर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। पूरा मामला है कि इस पर आप रिपोर्ट देखिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की आज फिर बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्षी नेता रणनीति बनाएंगे। इस बीच इंडिया अलायंस ने सरकार के विधायक कामकाज पर सवाल उठाया है। इनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद विधेयक पास नहीं कराए जा सकते। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा में हंगामे के बीच एक के बाद एक बिल पारित किए जा रहे हैं। कॉल और शेक दर पेज 772 में संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। जब अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन की अनुमति मिल गई हो तो सरकार द्वारा नीतिगत मामलों पर कोई भी ठोस प्रस्ताव तब तक सदन के समक्ष नहीं लाया जाना चाहिए जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा न हो जाए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सरकार को संसद के नियमों के पालन की सलाह दी है। इस देश की संसदीय इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बावजूद उसके शामिल उसके स्वीकार होने के बाद भी अभी तक लेजिस्लेटिव बिजनेस को नहीं रोका गया। विधेयक लाए जा रहे हैं, विधेयक पास किए जा रहे हैं।